थाली, ये थाली है, इसे हम अपने मालिक साहब की मुहरे वगैरह भी धोते हैं, तो ये हम हर चीज के लिए यूज करते हैं, जैसे हमारे जो गाजे बाजे होते हैं, पीतल की चीज होते हैं, तो हम इससे धोते हैं उसकी। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बाय बाय। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज संडे आफ्टर लॉन्ग टाइम में आ गया। ये मेरे स्टूडेंट की पेंटिंग, मिस्टर हनी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंटिंग की इसने, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको आज जो मेरा व्लॉग रहेगा वो आज मैं आपको ले जा रहा हूँ मंदिर की ओर, क्योंकि नया रथ भी तैयार हो गया। आज उस देखते हैं कैसा है नया रथ और आपको भी दिखाते हैं। मिलते गाइस, अभी आप देख सकते हैं फाक की प्यारी पूरी तरह चल पड़ी है। जब साहब के जो बजाने का साधन है इनसे धोएंगे और चमकाएंगे, और भी जितने हैं ये सब बंदे लेने आपस। एक्चुअली ये क्या खनोड़ है, खनोदी क्या है, थाड़ी 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 कॉल्ड थाड़ी थाड़ी, और इसका काम होता है डेनी भाई को थाड़ी बर्तन जाते हैं, सब कुछ पीतल के, सोने के, चांदी के। पुराने टाइम में भंडारी जी कुछ बोल रहे हैं हमारे, ये क्या चीज होती है। ये थाली है, इसे हम अपने मालिक साहब की मुहरे वगैरह भी धोते हैं, तो ये हम हर चीज के लिए यूज करते हैं, जैसे हमारे जो गाजे बाजे होते हैं, पीतल की चीज होती है, तो हम इससे धोते हैं उसकी। तो सब लग चुके थे अपने अपने काम में। आपको मैं बता दूं, जो हमारे ढोल नगाड़े हैं इनको सब चमका रहे थे। इसमें खट्टे का यूज़ करें, जो ये थाड़ी है एक्चुअली खट्टा होता है, मतलब लाइक निरोल, निरोल जैसा है, निरोल का काम भी करता है। अब देखो जितना ज़्यादा खट्टा होगा, आपको पता है चांदी के लिए खट्टा ज़रूरी होता है। बाकी व्लॉग में आप देख ही रहे, सारे बिजी थे। ये छलेटी होती है, इसको छलेटी को पानी में डालते हैं, और इस छलेटी के थ्रू भी चांदी को वाइट किया जा सकता है, क्लीनिंग कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो आज टुडे हम आ चुके हैं महारुद्र देवता काजल मंदिर। तो यू कैन सी बिहाइंड मी, जस्ट राइट बिहाइंड मी, ये है कोठी देवता साहिब की, और साथ में है मिस्टर मॉरिसन, दैट यू गाइस नो वेल अबाउट दिस गाय, और ये काफ़ी फेमस है। और यहाँ देखिए, ये हो रही है फाग की तैयारी देवता साहिब के मंदिर में, और साथ में देखिए सभी अपने अपने काम में लगे पड़े हैं। और यहाँ देखिए स्पेशली डैनी भाई, काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली रिजल्ट आउट हुआ, और एक क्या पीस के रखा है आपने। तो मेरे साथ एक और यूट्यूबर मिल गया था, गगन, ये भी व्लॉग बनाना चाहता है, तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा बोलता है ये भी। अब जो आप देख रहे हैं कि जो ये है, ये बड़े पापा ही हमें समझा रहे थे कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं, क्या गलती है आपकी, क्योंकि अभी हम छोटे हैं और जो हम आपको बुज़ुर्ग सिखाएंगे हम वही सीखेंगे, इसलिए बुज़ुर्ग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनको एक्सपीरियंस हो चुका है काम का, हर चीज़ का, हर चीज़ का नॉलेज है इनको। ये बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करके धोना है, यहाँ धोना है, इसका इस्तेमाल करना है, पूरा बताया इन्होंने। इसको दे दो नीचे करने के लिए, आग तक ऐसे बढ़िया हो जाएगी। दो के फिर तो जब देख सकते हैं सभी अपने कार्य भली भांति कर रहे हैं, मंदिर में सब लगे रहते हैं। ये मिस्टर हुआ काम पे, ये डैनी भाई देखो नहीं क्या पानी डाल
पेपर कब है? हो गई खत्म? हो गई गोल्डी जी पेपर? नहीं अभी तो दो ही हुए। अंदर से क्या धोने पर दिशा नहीं ये क्या लगाया? लाठी पकड़ो। जाके जाना पड़ा मुझे, इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाया। तो मिल ही गए भक्तजन यहाँ पे जिसका इंतजार था। एक भाई जी आए, सारे जाने पहचाने हैं क्योंकि हर ब्लॉग में आते रहते हैं। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, रथ बस पूजा पूजा हो रही है, बस 2 बजे निकल जाएगा रथ। बिल्कुल सही टाइम में आए हैं, बिल्कुल रोए तो बिल्कुल एग्जैक्ट बॉय। आज तो टेस्टिंग है। आज मंदिर पहुंच गए, थोड़ा देवता साहब का कुछ सामान लाना था इसलिए नीचे गए थे। अब करते हैं भोजन। तो खाना खाने के बाद अब जा रहा हूँ अंदर, मालिक साहब का रथ देखते हैं। ये अभी तैयार हो रहा है और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे मालिक साहब को। तो मालिक साहब की हो चुकी है एंट्री। कितने सुंदर लग रहे हैं इतने नए रथ के साथ, और मालिक साहब खुश भी बहुत थे। उन्होंने मालिक तो आए मालिक क्या हुए।
देवता साहब का नया रथ हो चुका है तैयार, और आपने देखा कि कितना प्यारा रथ बना है इस बारी फाग में। यही इसी रथ के साथ हम चलेंगे, और हमने भी थोड़ा आनंद लिया, मजा आ गया। तो काम पे लगे सारे बॉयज अपने, थोड़ा देवता साहब की जो कमी पेशी है रथ में उसे पूर करेंगे। हमने बस पकड़ी ली, बहुत मुश्किल से पकड़ी इन्होंने बस, ये तो पहुंच भी नहीं पाया बंदा, पर हमने पकड़ ली। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देख सकते हैं।